ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एसोसिएट हुए हैं अपने थ्री कॉलम केसबुक के लिए। सबसे पहले मैं प्रोफार्मा की ओर बात जाता हूं, ये प्रोफार्मा बनता कैसा है। सबसे पहले उसके पहले मैं बात करता हूं कि थ्री कॉलम केसबुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सुन लीजिए, कैश, बैंक और डिस्काउंट। जब भी हेड कैशियर को ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज कैश, बैंक और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं, तीनों के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए दिया जाता है, तो वो कॉलम जो होता है वो जो उसके लिए बुक बनाता है रिकॉर्ड करने के लिए, वो बनता है थ्री कॉलम कैश बुक। इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लेंगे इधर। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर इतना सॉल्यूशन को जो भी रहेगा इन द बुक ऑफ, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर कर रहे हैं आपके बुकलेट का, तो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फोर इन द बुक ऑफ श्री मोहन, यहाँ लिखा थ्री कॉलम कैश बुक। यहाँ तो आप इसका और एक ऑप्शन लिख सकते हो एडिंग कैश बुक हैविंग, नहीं कैश बुक हैविंग कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। अब दोनों में से कोई भी एक हेडिंग आप दे सकते हो। ओके, अब इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लीजिए। सबसे पहले यहां आता है डेट, यहां सीरियल नंबर, अगर ट्रांजेक्शन आईडी डेट वाइज जाऊंगा तो डेट वाइज इतना ये जो नंबर दिया ना सीरियल नंबर रहेगा। फिर उसके बाद यहां लिखना रिसिप्ट, नोटा आने के सोर्सेस है रिसिप्ट। ओके, रिसिप्ट अगर भूल गए तो यू कैन राइट अ पर्टिकुलर ऑल्सो, बट मैं आपको रिसिप्ट लिखने को प्रेफर करूंगा। उसके बाद यहां आता है आर नंबर, जब नोटा आती है ऑर्गेनाइजेशन के पास तो रिसिप्ट नंबर फटती है। क्लियर बच्चा? अब आप देखिए वन कॉमर्स क्लास में आप फीस देते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है ना, तो रिसिप्ट का एक नंबर होता है ऊपर लिखा होता है, तो रिसिप्ट नंबर यहां पे लिखना पड़ता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल लाइफ में नहीं। फिर यहां पर आता है एलएफ, क्योंकि इसके बाद बनता है अकाउंटिंग प्रोसेस में लेजर पोस्टिंग, तो लेजर फोलियो नंबर यहां पे डालना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में थ्योरेटिकली आपका कोई यूज यहां पे नहीं है। और फिर यहां पे डेबिट में तीन कॉलम लेते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये तीनों कॉलम डेबिट के है। यहां पे रुपीस का साइन दे रहा हूं मैं, इतना भाग ये डेबिट का है। अब ये जैसा सीक्वेंस आप डेबिट रख रहे हो वैसा ही सीक्वेंस आप क्रेडिट रखिए। आप चाहो तो पहले बैंक कॉलम दे सकते हो फिर कैश, ये इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। ओके क्लियर चलता ना, आप डिस्काउंट को पहले, मैंने क्या बोला डिस्काउंट, बैंक, कैश, तीनों का सीक्वेंस आप कैसा भी रखिए, लेकिन जैसा सीक्वेंस आप डेबिट रख रहे हो वैसा ही सीक्वेंस आप क्रेडिट के लिए मेंटेन करोगे बस। ओके, ये हो गया डेबिट साइड पूरी खाली, सॉरी एक डेबिट साइड बन गई हमारी। अब जाएंगे क्रेडिट साइड में, थ्री कॉलम कैश बुक प्रेफर कर रहा हूं। ओके, लिखना हाँ, अभी डेबिट साइड पूरी हो गई बन गई। अब सेम भाग क्रेडिट के लिए डेट, अब यहां पे आता है पेमेंट, पेमेंट यहां तो पर्टिकुलर आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर यहां पे आता है वी नंबर, वाउचर नंबर। अब जब नोटा जाती है ऑर्गेनाइजेशन के पास से तो वाउचर फटते हैं, जैसे एग्जांपल अभी वन कॉमर्स क्लास अगर फैकल्टी की पेमेंट करेगा या इंटर्न्स की पेमेंट करेगा तो उसके लिए वाउचर बनते हैं। ये वाउचर देखो बनने में ऐसे दिखता है बिल्कुल, अब ये वाउचर हमारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको अमाउंट नहीं ब्लैंक वाउचर दिखा रहा हूँ। क्या होता है देखिए बच्चे लोग, एक मिनट, ये वाउचर दिखते कुछ ऐसे, ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ता है फ्रॉम, यानी हम वन एस कॉमर्स क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर यहाँ पे टू आता है किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, टीचर का नाम जिसको पेमेंट हो रही है। फिर यहाँ पे अमाउंट अगर बैंक से कर रहे तो उसकी क्रेडिट डिटेल्स पूरी, और कैश कर तो ये नीचे का कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे वाउचर नंबर होता है, ये नंबर सीरियल वाइज चलता है पूरा, और ये वाउचर नंबर जो है ना यहाँ वो रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, ये देखो वाउचर नंबर होता है यहाँ पे, जैसे अभी मेंटेन करने के लिए दिखा दूँ मैं आपको, तो यहाँ पे देखो ये सीरियल नंबर होना चाहिए वाइज, यहाँ पे वाउचर नंबर सीरियल होता है वो। उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट कितनी कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे कैश कर तो कैश, चेक कर तो चेक के लिए यूज होगा फिर। और फिर यहाँ पे आता है रेवेन्यू स्टैम्प, अगर आपका वाउचर 5000 से ऊपर का बनता है तो एक रुपए की टिकट यहाँ पे भी लगानी पड़ती है। यानी देखो नोटा आई तो भी गवर्नमेंट कमाएंगी बोलती नोटा दे रहे तो भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है एक रुपया। रेवेन्यू स्टैम्प जो आपकी रिसिप्ट में लगा दी थी, मैंने आपको याद है, आपको लगा था ना 5000 की ऊपर की रिसिप्ट पे एक रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प आता है, वो लगाना पड़ता है यहाँ पे।
और रेवेन्यू स्टैम्प पे आधी रेवेन्यू स्टैम्प पे साइन, आधी वो सामने वाले की पेज पे साइन, ऐसे सामने वाले को पेमेंट करते वक्त देना पड़ता। हाँ रिसिप्ट दिखाओ, लाओ दफर बताओ। ये रिसिप्ट जब नोटा आती तब मिलता, और उसको भी एक नंबर है, ये देखो इसमें भी रेवेन्यू स्टैम्प है, दिख रहा है रेवेन्यू स्टैम्प, वैसे यहाँ पे भी रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ता है। अगर 5,000 से ऊपर का कोई भी रेवेन्यू रिसिप्ट या वाउचर बनता है तो करना है। यहाँ आपका क्लियर पिक्चर, लिख लो ये रिसिप्ट है ये वाउचर है, दिख गया होगा हाउसफुल आपको, ठीक है। चलो हाँ बस इतने में इतना ही मिल जाए, सॉरी। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है, हाँ ये मेरे को देते भाई, सॉरी इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। अच्छा रिसिप्ट हम फाड़ के देते हैं, एक कॉपी हमारे पास होता है कार्बन कॉपी, लेकिन इसका कोई फाड़ के देना नहीं पड़ता, ये ओरिजिनल कॉपी एक ही होती है इसकी। फिर बोलू वाउचर का कोई कार्बनाइट कॉपी नहीं होता, समझा क्या? समझ गया हूँ। अब यहां लिखो LF, लेजर फोलियो नंबर। फिर जैसे यहां पे सीक्वेंस जैसा आपने डेबिट के लिए मेंटेन किया, क्रेडिट का कॉलम है कैश, बैंक और डिस्काउंट, इस तरीके से आपका तीन कॉलम्स थ्री कॉलम कैश बुक बन जाता है। अब क्या करोगे सुनो, सिंपल है, इसमें रिकॉर्ड करने का तरीका सुन लो। क्या करना, ट्रांजेक्शन सामने रखो, एंट्री में कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेबिट क्या होगा तो डेबिट कॉलम में अपोजिट नेम लिख देना विद नरेशन। एंट्री में अगर कैश, बैंक, डिस्काउंट, क्रेडिट क्या होगा, एंट्री बोलना ओरली, हाँ बोलना है ओरली एंट्री, लिखना नहीं है, तो कैश, बैंक, डिस्काउंट की तीनों का क्रेडिट कॉलम में से कोई भी एक या जो है तीनों कॉलम लेकर अपोजिट नेम अंदर लिख देना, या रिकॉर्ड उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन इन थ्री कॉलम कैश बुक। सिंपल, डबल कॉलम कैश बुक आ गया ना तो थ्री कॉलम कैश बुक आपको फ्री में आ जाएगा विरासत में, ये गारंटी मेरी है। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ओके। और कॉन्ट्रा एंट्री मैंने आपको टू कॉलम कैश बुक में सिखा दिया, जहां पे कैश और बैंक इन्वर्स हो गए तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री का समावेश होता है, यानी यूज होता है, ओके क्लियर। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका थ्री कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, ध्यान देंगे। हाँ तो क्वेश्चन दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर बता रहे भैया, ठीक है फोर करेंगे, कोई बात नहीं, ओके। हाँ राइट अ कैश बुक ऑफ श्री मोहन, मोहन का नाम लिखा हुआ है, विद ये कौन है ओनर या फर्म उसकी, विद डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ फेब 2006। अब फेब्रुअरी मंथ का है भैया, तो अब देखो सारे एंट्रीज जो है ना ये एक ही महीने की है, कौन से, जब ईयर और ए मंथ सेम रहे तो बार बार ईयर और मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर हम चुपका देंगे, बार बार अपना यहां से हाथ मतलब लिखने का टेंशन हट जाता। फेब 2006 ना, यहां भी लिखेंगे फेब 2006, ओके क्लियर स्टूडेंट्स, शुरू करें। चलिए अब यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ही मैं 1 तारीख को आया तो कैश का ओपनिंग बैलेंस था और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस था। अब कैश तो ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस है जनवरी का जो फेब में लिखा रहा है, लेकिन बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों को कोई भी बैलेंस हो सकता है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी बैंक का अपने पास पैसे पड़ा है करंट अकाउंट में। अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट होता या क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो अपन ये लायबिलिटी घोषित करते थे, यानी अपनी एसेट है, एसेट ऑलवेज हैव, तो यहाँ पे डेबिट साइड में दोनों का बैलेंस दिखा देना। 1 तारीख का यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने कल भी प्रीवियस सेशन में डबल कॉलम कैश में किया हुआ है। अब कैश का अमाउंट कैश में लिखो, बैंक का अमाउंट बैंक में लिखो, कितना अमाउंट है 3,500 इधर, मैं रुक क्यों गया मालूम है, मेरे को लगा तुमने बोला 3,500 यानी 3,000 इसके 500 इसके, बस कुछ नहीं है यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस है हमका, पिछले महीने का जो बचा हुआ बैलेंस था ना अपन लेके आते हैं, तो ये अपने पास 3,500 रुपये गल्ले में पड़े और 5,000 अपने बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक में भी पॉजिटिव बैलेंस है और कैश तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं इसको। ओपनिंग बैलेंस अपन क्या नाम से लिखते हैं, याद करो डे 1 से बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्योंकि दोनों एक ही साइड में जा रहे थे इसलिए दो दो पास होना बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दोनों का तारीख देखो एक ही 1 तारीख का, तो इसलिए यहाँ पर लिखना एक ही बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बस। हाँ अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट होता ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑलवेज है, यानी पहले दिन पे हमारे ऊपर कर्जा था, तो यहाँ पे आता था, फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट बैंक में आती थी, समझा आपको। और अगर बैंक का तुम वो क्रेडिट बैलेंस भी लिखा रहा तो भी लायबिलिटी जो ओवरड्राफ्ट होता है वो, हाँ
अगर कुछ नहीं ना बैंक बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, हमारे पैसे बैंक में पड़े लेना बाकी जैसे कुछ भी ना बाकी होता P1 से हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट किया बैलेंस ओपनिंग। अब चलो अब बैलेंस का एनवेरेशन होता नहीं है, अब करेंगे बिजनेस। चलो अब पूरे साल महीना भर अकाउंट ट्रांजेक्शन करेंगे, धंधा करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे इन थ्री कॉलम कैश बुक। हाँ, कैश सेल्स पहला है, कैश सेल्स क्या एंट्री होंगी, ओनली एंट्री बोलो, मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, तुमको करना नहीं है। ओके, इसकी एंट्री होंगी। अब देखो मैं यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सॉरी मैं आपको एंट्री सिखाने नहीं आया हूँ, आपको एंट्री आनी चाहिए, ये अश्योर रखो, उसके बाद ही कैश बुक खोलना। हाँ, अब कैश सेल का मतलब गुड्स सोल्ड इन कैश, तो बताओ नोटा आ रही, जो आता उसको डेबिट करो, माल गया, अब माल को क्रेडिट ना करते अपन लिखते हैं सेल्स, तो इसकी एंट्री होंगी बाय कैश टू सेल्स। अब ये एंट्री अगर जिसको नहीं आती होगी चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना, इतना सबसे डिटेल कंसेप्ट तुम्हारा एंट्री का था। 40 के 45 सेशन तुम्हारे सब एंट्री के हैं, सबसे बड़ा टॉपिक बताओ कितना, 2000। अब बताओ मेरे पास कैश का और सेल्स का कौन सा कॉलम गिवन है, क्या किया एंट्री में, कैश को डेबिट किया है तो कैश के डेबिट साइड में जाओ। अब कैश का डेबिट साइड तुमको दिख रहा क्या, ये रहा, तो कैश के डेबिट में अपोजिट नेम अमाउंट कितनी है, टू सेल्स, नाम लिखो अपोजिट साइड का, क्रेडिट का, और तारीख कितनी है, विद नरेशन बीइंग कैश सेल्स, कोलिंगा बीइंग गुड सोल्ड इन कैश, चलता है, हो गया रिकॉर्ड बस। नेक्स्ट क्वेश्चंस बार बार डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा सॉरी। हाँ, आगे दिया है परचेज स्टेशनरी, अब स्टेशनरी परचेज कर रहा 4 तारीख को, तो मेरे पास क्या रहा, स्टेशनरी, स्टेशनरी इज माय एक्सपेंस, क्या है मेरा, और एक्सपेंस ऑलवेज है, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बराबर कि नहीं। और दूसरी बात, मेरे यहां स्टेशनरी परचेस करने से नोटा आती की जाती, जाती तो क्या करेंगे हम, तो जो जाता है उसको रियल से अपन करते हैं क्रेडिट। मैं आपको रफली एंट्री के फॉर्मेट में सिखा रहा हूं, ओके, ताकि आपको आसानी जाए, आपको ये पेपर में करके आना नहीं है एंट्रीज। अब बताओ अमाउंट कितनी है, हाँ अब बताओ मेरे पास स्टेशनरी कॉलम गिवन है कि कैश, कैश को एंट्री में क्या किया, तो कैश के क्रेडिट कॉलम में जाओ और नाम लिख दो डेबिट का, इजी है, बाय स्टेशनरी, अभी शुरुआत है, पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, अमाउंट तारीख 4, ओके, मंथ और ईयर मैंने ऊपर लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं तुमको। पेड फॉर पोस्टेज, अब पोस्टेज मेरा एक्सपेंस है और पेड करने से नोटा आती जाती, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वेरी गुड, इसकी एंट्री बनेगी बाय पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कस्टमर को बिल बिल पहुंचाया होगा मैंने पोस्ट के थ्रू, तो उसको पेमेंट गया। अब बताओ अमाउंट कितनी है, 10 रुपए, चिल्लर वाले का, ठीक है। अब बताओ, अब मेरे पास पोस्टेज कॉलम गिवन है कि कैश, कैश क्या किया एंट्री में, कैश को क्रेडिट किया, तो कैश के क्रेडिट कॉलम में अपोजिट नेम लिखो, बाय पोस्टेज, तारीख 5, ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या एंट्री होंगी बोलो, पहले पहला एग्जांपल है इसलिए इजी दिया हुआ, एंट्री होंगी बाय परचेज टू कैश, बराबर कि नहीं। अब बताओ मेरे पास परचेज कॉलम गिवन है कि कैश का, क्या किया कैश को एंट्री में क्रेडिट किया ना, तो कैश के क्रेडिट कॉलम में जाओ और नाम लिखो बाय परचेज और अमाउंट 1200, ओके 1200 है, और तारीख, नरेशन तुम लिखते जाना है, नरेशन लिखना कंपलसरी है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाँ तो नरेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुमको सिखाने में, आता तुमको वही लगाओ कॉपी पेस्ट करके बीन लगा के आगे अमाउंट गायब करके क्वेश्चन में से आगे, नरेशन लिखना कंपलसरी है, बता रहा मैं आपको। हाँ, रेंट पेड थ्रू चेक, अब रेंट क्या है मेरा, एक्सपेंस, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कौन बोलता है, नॉर्मल रूल, रेंट डेबिट होगा पक्का है, लेकिन अब जब मैं किसी को चेक देता हूं
तो मैं इन शॉर्ट अपने बैंक को आदेश दूं, ए बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के दे। तो बताओ पैसे कहां से जा रहे? बैंक से। तो बैंक बिकम अ गिवर ऑन माय बिहाफ, तो बैंक को करें क्रेडिट पर्सनल रूल से। अब नॉमिनल और पर्सनल, ओके रूल लगाया, अमाउंट कितनी है? अब बताओ यहां पे मेरे पास रेंट कॉलम गिवन है कि बैंक? बैंक। बैंक को क्या किया? एंट्री में क्रेडिट किया। तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाने का और नाम लिख दो अंदर, डेबिट का बाय रेंट अकाउंट, तारीख बीइंग रेंट पेड, ओके आगे बोलना बीइंग रेंट पेड थ्रू चेक चलेगा। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं, लेकिन लिख क्या ना, उसके बिना एंट्री अधूरी है। अगर नरेशन ने लिखा पूरा एग्जांपल कलेप्स लेना आपका कलेप्स। हाँ आगे आ गया, पेड टू राम इन इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 9690 बाय चेक 690 एंड रिसीव डिस्काउंट 10। अब क्या हुआ, राम को मुझे देने थे 700 रुपए, मैं गया, मैं कौन, श्री मोहन, कौन हूं मैं, सोचना किसके हिसाब से, जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं श्री मोहन ने, मैं गया और बोला राम को, राम कितना है ड्यू? उसने अपनी लाल बुक खोली, 700 रुपए बाकी है। नहीं ये 700 नहीं लूंगा, 690 में टंटा तोड़ रखा बोल, मान गया मैं, लेकिन वो भी चेक दूंगा, मैं पैसे लाया नहीं, मैं मोदी भक्त हूं, ऐसा मैंने बोल दिया, मैं मोहन हूं। तो अब यहां से पैसे कहां से जा रहे बच्चे लोग? चेक से, यानी पेमेंट बैंक से आ रही है, बराबर नहीं। अब इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान दो। अब बताओ जब मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो चेक आ रहा कि जा रहा? जा रहा। और जा रहा तो पैसे कहां से आएंगे? बैंक से। तो बैंक बिकम अ गिवर, यानी बैंक क्रेडिट होगा पक्का है। तो जो आंसर मिल रहा माइंड को में ले लो, 690 रुपए का चेक गया, क्रेडिट होगा पक्का है। अब देने थे मुझे किसको? 700 रुपए, 700 का था, 690 रुपए दे रहा हूं मैं, बराबर कि नहीं? वो बैंक से 10 रुपए जगह पे मेरे बच गए, एक दिन का चाय पानी का नाश्ता मेरा निकल गया ना, खर्चा चाय का तो निकल ही गया, चाय 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 महंगाई के दौड़े, ठीक है चाय तो निकल गया, बराबर नहीं? वो कौन सी चाय? मुरली की चाय, हाँ ठीक है। तो वो तो पी के आऊंगा, 10 रुपए बच गया, तो 10 रुपए जगह पे मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब प्रॉफिट ऑलवेज आया, वो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन बोलता है? नॉमिनल रूल। तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा पक्का है। अब रिसीवर कौन है मेरे लिए? राम। राम बिकम रिसीवर और रिसीवर को अपन करते हैं डेबिट। अब इसकी एंट्री अगर बननी होगी तो क्या बनेगी? बननी होगी तो इसकी एंट्री बनेगी बाय राम अकाउंट डेबिट टू बैंक डिस्काउंट, बराबर कि नहीं? हाँ रिसीव लिखो चलेगा। अब बताओ इन तीनों कॉलम में से मेरे पास कौन कौन से कॉलम है? बैंक और डिस्काउंट है। अब बैंक और डिस्काउंट को हमने एंट्री में क्या किया? क्रेडिट किया। तो बैंक के और डिस्काउंट के क्रेडिट साइड में जाओ, बैंक की अमाउंट बैंक में लिखो, डिस्काउंट की अमाउंट डिस्काउंट में लिखो, बराबर कि नहीं? और अंदर नाम लिखो अपोजिट साइड का बाय राम अकाउंट। अब सर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होंगे? नहीं, पूछो क्यों? अगर बैंक और डिस्काउंट इनवर्स चले थे इनवर्स, तो हम यहां पे इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री घोषित कर सकते थे, लेकिन ये दोनों एक ही साइड में गए हुए हैं। और याद करो डिस्काउंट ना कैश और बैंक का जुड़ा हुआ भाई है, जहां कैश जाएंगी वहीं डिस्काउंट जाएगा, जहां बैंक जाएंगी वहीं डिस्काउंट जाएगा। देखो आपने जितनी भी एंट्री की होंगी आज तक, होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मेरी भावनाओं को। आगे हाँ, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्या विड्रॉ किया है? यानी क्या हुआ, दुकान से पैसे निकाले मोहन ने और गर्लफ्रेंड को घुमाने लग गया, ओके 300 रुपए में। हाँ नहीं होता 300 में कुछ, अरे नाश्ता तो हो जाता है, नहीं होता? हाँ लड़कियों की डिमांड बढ़ गई ना ज्यादा, होता बराबर है, बराबर है, मान रहा हूँ 300 में कुछ नहीं होता, 300 लेके आना अगली बार ज्यादा, एक आधा कुछ पिज्जा ऑर्डर कर दिया 500 तो गए, फिर बर्तन मांजने पड़ेंगे। चलो ठीक है, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है बॉयस, तो मोहन की तरह कंजूस नहीं बनना, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगी। ए तुमको लगता है आज के जमाने में कोई रियल लव करता भी होगा? इट्स ओनली प्रिटेंडिंग, क्या है सब अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख के तुमसे जुड़ेंगे या टूटेंगे, फिर दोस्त हो
गर्लफ्रेंड हो या फिर इवन आपकी रियल वाइफ क्यों ना हो, ओके, देयर इज नो सर्टेनिटी. चलो ओके, प्लीज पे अटेंशन हियर. हाँ, यहां ध्यान दो. विड्रॉ किया, पर्सनल यूज किया, पर्सनल बताया नहीं था ना, और खोलना भी नहीं रहा. 300 रुपए निकाले दुकान से और चले घूमने. अब बताओ दुकान वो कुछ भी करे, उसका निजी मामला है, आपने कोई रिकॉर्ड करना नहीं है, क्योंकि एंटिटी कंसर्न बोलता है मालक के पर्सनल निजी काम रिकॉर्ड हम करते नहीं. लेकिन मालक ने 300 रुपए निकाला, ये तो रिकॉर्ड करेंगे ना भैया. करो चलो, अब बताओ दुकान से पैसे आ रहे कि जा रहे. जा रहे, तो जा रहे तो कैश स्ट्रेट बुक आऊंगा. अकाउंटिंग दुकान की करते, सोचना भी दुकान के हिसाब से. हाँ, अब बताओ रिसीवर कौन है, मालक. अब जब मालक रिसीवर है तो मालक को डेबिट करने की नौबत जब आती है तो मालक को डेबिट ना करते हुए हम लिखते हैं ड्रॉइंग. अब ड्रॉइंग क्यों लिखते हैं, इसका लंबा डिस्कशन हमारा हो चुका है जब मैं आपको एंटायटी कंसेप्ट पढ़ाया था पीछे. ओके, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट पक्का है. जब मालक को डेबिट करने की नौबत आए तो ड्रॉइंग लिखना, मालक को क्रेडिट की नौबत आए तो कैपिटल लिखना. क्यों लिखना, इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है हमारा, बराबर कि नहीं. अब 300 है ना, और नोटा आई गई गई, तो कैश हुआ क्रेडिट. अब बताओ इन दोनों कॉलम में से मेरे पास कौन सा कॉलम गिवन है, कैश का. क्या किया एंट्री में, कैश क्रेडिट किया, तो कैश क्रेडिट साइड में शूट में लिखो ड्रॉइंग. अब कैश क्रेडिट कॉलम ही रहा, ये तो क्रेडिट साइड लिख रहा मैं, हाँ सी आर में ऐसे लिखता हूँ. हाँ, यहाँ लिखो बाय ड्रॉइंग, नो कॉन्ट्रा. इसमें कॉन्ट्रा क्यों होगा, हाँ तो नहीं हो तो नहीं, क्या करेंगे अगले एग्जाम्पल में मिलेंगे, टेंशन क्यों है. अरे भाई ठीक है ना, कौन अभी तुम क्या कर रहे हैं, रहे नहीं रहे, तारीख बोलो, और वो राम वाली तारीख बोलो, और अमाउंट कहां से गए, दुकान से गए ना, कैश बी कैश विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज. बस आगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. अब क्या हुआ देख प्राची, हमने बैंक से पैसे निकाले और दुकान में लाए गल्ले में. अब बैंक से पैसे निकाले दुकान में लाए, तो दुकान में आ रहे कि जा रहे, एक 500 की दो नोटा निकाल लेके आए बैंक से, तो बैंक में दुकान में पैसे आ रहे कि जा रहे. अकाउंटिंग किसकी हो, दुकान की. सोचना दुकान के तरफ से तीन रूल्स, चार रूल, डेबिट के लिए चार बार सोचना है, क्रेडिट के लिए चार बार. अब दुकान में नोटा आ रही तो जो आता है उसको डेबिट करो, और गीवर कौन है, बैंक, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बोलो अगर एंट्री बननी होगी तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज की एंट्री होगी. व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, एंड हु इज गिवर, बैंक बिकम अ गिवर, तो बैंक बिकम अ गिवर, तो गिवर को अपन पर्सनल रूल से क्रेडिट करते हैं. अमाउंट कितनी है, 1000 रुपया. तारीख कितनी है, 10. बस हाँ, अब बताओ, अब यहां पे रुक जाओ. अब क्योंकि यहां पे कैश का डेबिट कॉलम भी गिवन है और बैंक का क्रेडिट कॉलम भी गिवन है, दोनों साइड में अपने को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है. एक के अंदर रिकॉर्ड किया, दूसरे में नहीं किया, तो ना इंसाफी कहलाएगा. तो अब यहाँ पे एक एक करेंगे, पहले कैश का डेबिट कॉलम पकड़ो. अब बताओ कैश का डेबिट कॉलम तुमको दिख रहा क्या, कहाँ दिख रहा हर्ष, कहाँ दिख रहा डेबिट कॉलम कैश का, ये रहा लेफ्ट साइड में, दिख रहा. तो कैश के डेबिट साइड में जाओ, अंदर नाम अमाउंट लिखो, लेकिन नाम लिखो अपोजिट साइड का टू बैंक. तारीख बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, ये हो गया एक इफेक्ट. अब अगर मैंने कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड किया, बैंक में नहीं किया, तो नाइन समय होगी ना. अब यहाँ पे बैंक का क्रेडिट कॉलम भी गिवन है, दिख रहा है बैंक का क्रेडिट कॉलम बेटा, कहाँ दिख रहा है, ये रहा बैंक का क्रेडिट कॉलम. तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाने का और नाम अंदर लिख दो अपोजिट साइड का, यानी डेबिट का बाय कैश अकाउंट. तारीख, अब क्योंकि यहाँ पे एक ही बुक के अंदर दोनों पोस्टिंग हुई, इफेक्ट्स हुए, रिकॉर्ड हुए, डेबिट में भी हुआ क्रेडिट में हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक ही बुक के अंदर डेबिट और क्रेडिट में दोनों में रिकॉर्ड हो. अभी तक एक ही साइड में रिकॉर्ड हो रहा था, डेबिट या तो क्रेडिट में, यहाँ दोनों साइड में रिकॉर्ड किए गए, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, इनवर्स रिकॉर्डिंग. और कॉन्ट्रा का इंडिकेशन सी देना है आपको, विथ नरेशन लिखो दोनों में, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज या ऑफिस यूज. ओके, अब इसको रिकॉर्ड, अब इसको क्लोज करना है, प्रिपेयर बोला ना,
तो क्लोज करने का तरीका मैंने आपको कल ही सिखाया था, लेकिन स्टिल यहां पे एक बार फिर से हो जाए, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब इसका क्लोज करने का तरीका देखो कैसा है, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, अब क्लोज करने का तरीका देखिए कैसा है। सबसे पहले क्या करना, जहां पे आपका लास्ट का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ है उसके तीन चार लाइन छोड़ के आप लोग एक लकीर तो लकीर खींचना अमाउंट कॉलम में, डेबिट के भी तीनों के और वही लाइन में क्रेडिट के भी तीनों के, क्रेडिट साइड में भी। अब एक एक करके हिसाब करना, एक एक करके, मैं फिर बोल रहा हूं एक एक करके हिसाब करना पद्धति। हाँ, पहले कैश को करो। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया है, कैश एंड अच्छा सुनो सॉरी पहले कैश को बोलेंगे। अब बताओ कैश की कौन सी साइड बड़ी आ रही है, जो भी साइड की अमाउंट बड़ी आई वो एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखो। अब देखो यहाँ पे कैश की, कैश ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो कैश की हमेशा डेबिट बढ़ आएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कैश की क्रेडिट बढ़ जाती। सुनो एक ही रीजन होता है जहां पे कैश की क्रेडिट से बढ़ जाती है, कब, जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है। ओपनिंग बैलेंस वो कब होगा आगे आपको बताया जाएगा, पेपर में ऐसे क्विज क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनो हाँ, अब देखो कैश की कौन सी साइड बढ़ी आ रही है, देखो डेबिट कितनी आ रही है टोटल, एक बोलो ना ठीक है, और क्रेडिट की अगर टोटल किया तो कितनी आ रही, 1535 पक्का, इन्हें डेबिट से बढ़ा रही है, जीत गया डेबिट, तो जो भी साइड जीत गया वो एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखो दोनों कॉलम में, डेबिट के भी और क्रेडिट में भी। अब भी कैश की डेबिट से बढ़ाई तो डेबिट के दोनों अमाउंट हमने एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखा इक्वल्स टू अमाउंट करने के लिए। अब उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, अब डेबिट बढ़ जाए तो अपोजिट क्रेडिट होगी, माइनस करो डिफरेंस बता रहा, सॉरी 4965 बोलते हैं, ये 4965 कौन से साइड में कम भर रही है डिफरेंस अमाउंट, तो इक्वल करने के लिए एक लकीर दो के नीचे ऊपर कहीं पे भी, ऊपर कहीं पे भी भरो 4965, ये बचे हुए बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, यानी इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। ओके, और जहां पे हमने बैलेंस कैरिड डाउन किया उसके अपोजिट साइड में यही बचा हुआ बैलेंस एक लकीर दो के नीचे नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लेके आओ, कहीं पे भी, लेकिन एक लकीर दो के नीचे चाहिए, यानी जो टोटलिंग किया ना उसके नीचे चाहिए कहीं पे भी, और उसको नाम देना बैलेंस प्लॉट डाउन। ये होता है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। अब कैरी डाउन को महीने की आखिरी डेट देना, अब फेब मंथ है, 27वां 28वां आता है तो कौन सा लीप ईयर है, देखो तो 29 भी आता है ठीक है, कौन सा ईयर है 2006 नहीं है तो कौन सा आएगा फिर, 28वां आएगा ना, चार और आठ है ना, तो 28 तारीख यहां पे आएगी और यहां पे आएगा 1 मार्च 2006, यानी बचा हुआ बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे लेके आना कैरी फॉरवर्ड, फेब के बाद मार्च होता है इसलिए मार्च का। अब जैसे आपने कैश का हिसाब किया वैसे ही सेम प्रोसेस आपको बैंक का भी करना है। अब बैंक की देखो कौन सी साइड आ रही है, बैंक की कोई भी बढ़िया सकती है, ऐसे बोलते नहीं आता, डेबिट बोलते बढ़िया आ रही ठीक है लिखो बचलो। अब देखो बैंक की डेबिट साइड में कितनी आ रही बताओ, 5000 बोलते ठीक है लिख देंगे, और क्रेडिट की करो टोटल कितनी आ रही, 1890, यानी 5000 बढ़ी है ठीक है। हाँ, अब जो भी साइड की अमाउंट बढ़ी आई वो एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखो दोनों कॉलम में, डेबिट की बढ़ी डेबिट की अमाउंट हमने दोनों कॉलम में लिखा। अब उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डेबिट बढ़ी तो अपोजिट होंगे क्रेडिट और क्रेडिट बढ़े तो अपोजिट होंगे डेबिट, ये पिक्चर माइनस करने के बाद डिफरेंस बता रहा 3110, ये डिफरेंस अमाउंट कहां कम पड़ रही बताओ, क्रेडिट साइड में तो इक्वल करने के लिए एक लकीर दो के ऊपर कहीं भरो। अब क्योंकि बैलेंस कैरिड डाउन बचा हुआ बैलेंस को बोलते हैं तो मैं इसी का ही कैश का ही बैलेंस कैरिड डाउन लिखा हुआ यूज कर रहा हूं और सामने से अमाउंट चुका दे रहा हूं 3110 ना, और यही जब ब्रॉड डाउन एक ही साइड जा रही है तो दो बार मैं ब्रॉड डाउन क्यों लिखूं,
तो कैश का ही प्रोडाउन यूज कर रहा हूं मैं, उसके सामने से बैंक के सामने अमाउंट दे रहा हूं, गया खत्म। दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब दो लिखने की जरूरत पड़ेगी जब कैश और बैंक का बैलेंस इनवर्स जा रहा हो, इनवर्स। क्लियर? डिस्काउंट का टोटल करने का प्रोसेस ऐसा नहीं है, डिस्काउंट की अमाउंट सब डेबिट में कितनी आ रही वो लिख दो और क्रेडिट की तैयारी बस उतना लिख दो। अब डेबिट की कितनी आ रही देखो मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? तो यहां पे लिखो जीरो, और क्रेडिट की बस इसका नो बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो बैलेंस कैरी डाउन। पूछो क्यों? क्योंकि जब लेजर पोस्टिंग बनते हैं डिस्काउंट अलाउड अलग बनता है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अलग बनता है। डेबिट का जो बैलेंस आएगा टोटल वो डिस्काउंट अलाउड में जाएगा लेजर पोस्टिंग में, और क्रेडिट का जो भी टोटलिंग आएगा वो जाएगा डिस्काउंट रिसीव में। जब लेजर अलग बनते हैं तो हम दोनों को मर्ज कैसे करेंगे बैलेंस निकालने के लिए, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं हम लोग। चलिए बनाइए प्रोफार्मा जब तक आप। हम लोग सेशन 2 ले रहे हैं, ओके? इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में